दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। ललितपुर में कमल खिल गया है, हाथी पीछे पिछाया हुआ था। 21,000 वोटों पर हाथी थम गया, 31,000 वोटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय हो गई है। लगभग 9,000 कुछ वोटों से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सरला जैन जीती है। तमाम राजनीतिक तौर पर जो चर्चाएं हो रही थी उनको विराम लग चुका है। तमाम जातिवादी लोग जो बातें फैला रहे थे उन्हें भी बड़ा तमाचा मारा है जनता जनार्दन ने। बुद्धिजीवियों ने अपने उचित प्रत्याशी को चुना है, योग्य प्रत्याशी को चुना है और सरला मुन्नालाल जैन पर मुहर लगाई है। मैंने बोला भी था कि भारतीय जनता पार्टी जीत करा रही है, टक्कर हो सकती है, लेकिन बुद्धिजीवियों का जो वोट गया है वो भारतीय जनता पार्टी को राहत की बात है और भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी। तालगढ़ से लेके ललितपुर दोनों जगह कमल खिला है और भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा पढ़ी लिखी जनता ने, योग जनता ने जो योजनाओं से लेके तमाम बिंदुओं पर काम करती है, सोचती है, समझती है, उसने आशीर्वाद दिया है। राम रतन को बड़ी उपलब्धि है, दोनों ही विधानसभाओं की सीट है, जो सीटें थी वहां पर जीत हासिल की है। जबरदस्त कमल खिला है, बड़े अंतराल से कमल खिला है और अब बड़ी जिम्मेदारी दोनों ही चुने हुए प्रत्याशियों के कंधे पर है। यह आज जश्न का दिन है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत हुई है, उन लोगों की जीत हुई है जो ललितपुर के विकास, तालगढ़ के विकास को चुनते हैं, उन्हें आज विजय मिली है और ललितपुर में कमल खिला है। सरला जैन नगर पालिका अध्यक्ष पद पर सुशोभित होंगे। नमस्कार। जन सरोकार से जुड़ी हुई आवाज द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।